हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखाय बेख खाई। माया मोह परम पै फूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मलंत जम त्रास मटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। सुखाओ हटल गुर सेविय, अनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। ओ सिफत खसम दे, नूर अरसों कुरसों चटी है। तुद डिठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटी है। तुद डिठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटी है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा, गुण गावो पूर्ण अविनाशी। काम क्रोध बिख जारे, महा बिखम अगन को सागर। साधु संग उधारे, पूरे गुर मिट्यो परम अंधेरा। भज प्रेम भगत प्रभ नेरा, गुण गावो पूरन अविनाशी। काम क्रोध बिख जारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा दे खजाने रहमतां दे सागर, कलयुग दे जहाज साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जीआं ने महान कृपा कीती है, जो आप संगतां अमृत वेले तो सतगुरां दी गुरबाणी दे लाहे प्राप्त कर रहे हो। इस वेले सतगुरु जी सानू लड़ीवार जो कथा सतगुरां दे मुख दे बहुमुले बचन जिहड़े ने, उह सानू अमृत वेले प्राप्त हुंदे। शब्द दर शब्द असी सतगुरां दे इह पवित्र बचन सरवण करन लगे हाँ, करदे आ रहे हाँ। आओ कुछ समय वास्ते अपने मन दे ध्यान नूं टिकाइए, भावना दे नाल सतगुरां दी बाणी दी विचार सरवण करिए। मिलके आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोरठ महला पंजवा, गुण गावो पूर्ण अविनाशी। काम क्रोध बिख जारे। सोरठ राग दे अंदर पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जीआं दा इह शब्द है, जो आपां सरवण कर रहे हाँ। 615 अंग दे उपर इह शब्द महाराज जीआं ने लिखिया है। सतगुरु जी फरमाउंदे ने, परमात्मा दे जिन्हां ने गुण गाए ने, गुण गावो पूर्ण अविनाशी। परमात्मा दे विच गुण यह है भी परमात्मा अविनाशी है, नाश तो रहत है, नाश नहीं हुंदा, खत्म नहीं हुंदा, मुकदा नहीं है। ये परमात्मा का सब तो वड्डा गुण है।
जिहड़ा वो नाश नहीं हुंदा। अविनाशी जीवन को दाता सारे जीवां नूं दात देण वाला आप कदे मुकदा नहीं, खत्म नहीं हुंदा, नाश नहीं हुंदा। सतगुरु फरमाउंदे पूर्ण अविनाशी, फिर कल्ला वो खत्म नहीं हुंदा, इहदे नाल नाल वह सारिया थावां ते परिपूर्ण है। आपां ये नहीं कह सकते भी इस धरती दे विच जां इस शहर विच वो परमात्मा है, नहीं, वो सारिया थावां ते परिपूर्ण है। भावें धरती का कोई भी कोना है, कोई भी देश है, कोई भी थां है, सारिया थावां ते वो परिपूर्ण है। कोई एहो जी जगह नहीं जिथे वो परमात्मा नहीं है। घट घट मैं हरजू बसै, घट घट तो भाव कण कण दे विच हरेक हिरदे विच हरेक जरे जरे विच वो बैठा होया। वो परमात्मा एक उहदे विच गुण ये है भी वह कदे नाश नहीं हुंदा, मुकदा नहीं, खत्म नहीं हुंदा। दूजा गुण उहदे विच ये है भी वह परमात्मा सारे थावां ते मौजूद है, ये नहीं भी इस जगह ते है दूजी ते नहीं, सारिया थावां ते। जै जै देखा तह हजूर, जिथे जिथे मैं वेखदा परमात्मा उत्थे ही हाजर नाजर है। पर ये शरदा किन्हां नूं आई है? असी ते केवल सुन मात्रियां भी हाँ सुन लिया परमात्मा सारे थावां ते है, पर असी वेख नहीं पाए। वेख्या उन्हां ने है जिन्हां ने बंदगी कीती है, जिन्हां ने सिमरन किया है, उन्होंने वेख्या, जिमें भगत प्रहलाद ने वेख्या है, जिहड़े बंदगी वाले ने उन्होंने वेख लिया सारे थावां ते। फिर ये गल सिद्ध हो गई भी वह परमात्मा सारिया थावां ते परिपूर्ण है। तो पातशाह कहन लगे गुण गावो, ऐसे परमात्मा दे गुण गा, तू किते भी बैठा उहदे गुणां नूं गावें ते उह सुणदा पिया भी हाँ ये मेरा प्यारा मेरे गुण गाउंदा पिया। तू उहदे गुण गा जिन्हें कदे मुकना नहीं, जिन्हें कदे खत्म नहीं होना। तेरियां झोलियां जिहड़ा हर वेले भरदा पिया, दिंदा दे, जिहड़ा दिंदा दई जा रहा, दई जा रहा है। पातशाह कहिंदे उस परमात्मा दे जदों गुण गावेंगा वह परमात्मा नाश तो रहत है, वह परमात्मा सारे थावां ते परिपूर्ण है। जदों उहदे गुण गाए काम क्रोध ये जिहड़े वकार ने ना पंज, काम क्रोध लोह मोह ते हंकार, इन्हां वकारां दी जिहड़ी तुलना है ना जहर दे नाल कीती है। क्योंकि जहर जे व्यक्ति खा लवे तो उसकी मौत हो जाती है। जहर दा काम है मारना, अमृत दा काम है जिउंदा करना। ये जिहड़े पंज वकार ने बंदे नूं मारदे ने। मनुख इह सोचदा भी मैं वकारां नूं भोगदा पिया, नहीं, तूं वकारां नूं नहीं भोगदा, वकार तैनूं खांदे पै, तैनूं भोगदे पै। कोई काम दे विच गुलतान है, कोई क्रोध दे विच, कोई लोभ दे विच। पातशाह कहन लगे ये जिहड़े पंज वकार ने ये जहर दे वांग मनुख नूं नष्ट ही करदे ने। तुहाडे चंगे गुणां नूं खा जाणगे, तुहाडी चंगी जिंदगी नूं खा जाणगे, तुहाडे धन पदार्थ नूं ये वकार खा जांदे। ते पातशाह कहन लगे ये वकार बड़े बल वाले ने, बड़े तकड़े ने, गल्लां नाल नहीं मारिया जाना, ये मरनगे उदों जदों परमात्मा दा नाम जपेंगा। परमात्मा दे नाम दे विच ऐसी ताकत है भी वह इन्हां पंजां वकारां नूं मार के परे कर देगा। जिन्नी ठगी जग ठगिया, इन्हां पंजां ठगां ने पूरी दुनिया ठगी हुई है। पर जिन्हां ने गुरु दे नाम दा सिमरन कीता ना, बाणी पढ़ी है भाई, वो ऐसे ताकत वाले बन गए भी उन्होंने सारे वकार मार के परे कर दिते, दूर कर दिते। हाँ महाबिकम अगन को सागर। पातशाह कहन लगे ये जिहड़ा संसार है ना जिहदे विच आपां जन्म लैके आए, सानू हाले तो बड़ा चंगा लगता, बड़ा सोहना लगता, पर पातशाह कहिंदे संसार विचों तरना, मुक्त होना ये महाबिकम बड़ा कठिन है भाई। संसार तो तरना हरेक दे वस की गल नहीं है, गल्लां करन वाले तो घनेरे ने, पर ये संसार तो तर के बच के बाहर निकलना नहीं निकलिया जाना। महाराज ने संसार नूं जंगल लिखिया गुरबाणी दे विच। जंगल दे विच जिवें जंगली जानवर हुंदे ना, जहरीले जानवर, जंगल दे विच पैर पैर ते डर है, कोई जहरीला जानवर कट ना जावे, डंग ना मार जावे। जंगल विच डर ये है भी कोई खूनखार जानवर हमला ना कर देवे। जंगल दे विच जिंदगी हर वेले चुनौती भरी है। पातशाह कहिंदे इसे तरह भाई ये संसार दे विच वी ना
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਦੁਵੈਸ਼, ਈਰਖਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਮਹਾਂ ਬਿਖਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਔਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਨ ਕੋ ਸਾਗਰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤਰ ਕੇ ਪਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਅਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੜਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੜਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਧਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਕਹਿ ਸਾਧਕਾ, ਤਰਨਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੜਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਮਿਟਿਓ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਭਰਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਕੇ ਪੜਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਜ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ। ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਨੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ। ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਦਿਸ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਆਭੰਗੰ ਬੇਪੂਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਰਸ ਪੀਆ, ਮਨ ਤਨ ਰਹੇ ਅਗਾਈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਦਾਨ ਕਹੀਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਰਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਵਾਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਰੱਜ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨੋਂ ਵੀ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਤਨੋਂ ਵੀ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਤ ਕਤ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਤ ਆਵੈ ਕਤ ਜਾਈ। ਰਸਤਾ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਤ ਕਤ ਪੂਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ,
ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਤ ਆਵੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਕਤ ਜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰੀਪੂਰਨ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਕਤੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਗਿਆਨ ਤਤ ਬੇਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਗੋਪਾਲਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਪ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਪ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਜਪ ਕਰਨਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਤਪ ਕਰਨਾ ਅੱਗ ਦੀ ਧੂਣੀ ਤਾ ਕੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਜਪ ਅਤੇ ਤਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪ ਅਤੇ ਤਾਪ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਜਮ ਕਹੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਗਿਆਨ ਤਤ ਬੇਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੇਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਪ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਪ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਾਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਜਾਂ ਲਾਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰੇਟ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਦੇਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਪਰ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਤਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਾਲਾ,
उन्हां दी कमाई उन्हां दी मशक्कत उन्हां दी मेहनत परिपूर्ण होई है सफली होई है जिन्हां ने उस परमात्मा नूं पाया है। कल कलेश मिटे दुख सगले काटी जम की फासा। पातशाह जी कल कहिए कल्पना जिहड़ियां साडे मन विच पैदा हुंदियां रहिंदियां ना कल्पना विचार फुरने इह कल्पना भी महाराज खत्म कर दिंदे। दूजा बचन कलेश पए हुए जिहड़े घर दे विच झगड़े पए हुए घर दे झगड़े भी मुक जांदे जिहड़े साडे मन दे विच झगड़े पए हुए ने विकारां दे नाल उह भी मुक जांदे। कल कलेश कल तों भाव कल्पनावां ते कलेश जिहड़े साडे मन दे जां साडे परिवार दे जां इस तरह भी कह सकदे आ कल कलेश कलयुग दे बने हुए झगड़े कलयुग दे विच झगड़े ही झगड़े जिधर नूं मर्जी तुर जाओ चले जाओ। हरेक बंदा कलेश करन नूं झगड़ा करन नूं पहलां तैयार बैठा है पर महाराज कहन लगे कल कलेश मिटे ये सारे मिट जाणगे। इत्थे ही बस नहीं दुख सगले सारे दुख भी मिट जाणगे दुख भी कोई नहीं रहेगा। काटी जम की फासा जमां दी फाई भी नाम जपण वालिआं ने कट दित्ती है ऐसियां ताकतां उहनां नूं प्राप्त हुंदियां हन। कहो नानक प्रभ कृपा धारी मन तन पए बिगासा। जिंदे पातशाह फरमाउंदे जिन्हां ते अकाल पुरख दी कृपा होई है बख्शिश होई है उहनां दा मन उहनां दा तन बिगासा कहीए खेड़े विच आ गया उह मन करके खिड़ गए उह तन करके खिड़ गए। कहो नानक प्रभ कृपा धारी जिन्हां ते उह परिपूर्ण परमात्मा कृपा करदा उहनां दे मन तन जिहड़े ने भाई बिगासा खिड़ गए प्रसन्न हो गए प्रसन्नता दे सहत हो जांदे हन। सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी। अकाल पुरख परमेश्वर वह करन वाला भी आप है जो चाहे आप कर सकता। दूजा उहदे विच गुण यह है करावन हार वह करा भी सकता है मर्जी का मालिक है जे चाहे तो आप भी कर सकता चाहे तो करा भी सकता इन्नी ताकत वो रखता। दुनिया के कुछ काम वह ने जिहड़ा मनुख करा नहीं सकता पर कर सकता। कई बार असीं आख दिंदे ना मेरा काम हुंदा ते मैं कर सकता सी पर फलाने का काम है मैं करा नहीं सकता अपना कर सकता सी दूजे का नहीं करवा सकता। पर परमेश्वर इहो जिहा वह अपने काम आप भी कर लैंदा और जिहड़े कराउणे चाहे वह करा भी सकता। हुण धन दसवें पातशाह महाराज साहब जी जदों जंग आप करना चाहुंदे उदों घोड़े ते सवार हो के आप जंग मैदान विच आ जांदे ते जदों महाराज चाहुंदे भी हुण साडे सिख जंग करन अपनी बहादुरी दिखाउण ते उदों सिखां नूं थापड़ा दे के अगे कर दिंदे। जिवें आपां इतिहास पढ़दे आं भी मस्त हाथी आ गया किले का दरवाजा तोड़न वास्ते हुण पातशाह चाहुंदे ते आप भी लड़ सकदे सन हाथी नूं मार सकदे तीर मार के गोली मार के पर महाराज जे चाहुण तो फिर सिख दे उपर भी बख्शिश कर देंदे बचित्र सिंह वर्गियां दे भी चलो भाई जा के हाथी का मुकाबला करो। कहण तों भाव यह है गुरु परमेश्वर समर्थ है वह जे अपनी मर्जी नाल कुछ करना चाहुण तो भी कर सकते जे कराउणा चाहुण तो भी करा सकते इन्नी समर्था उहनां दे विच है जे थापड़ा दे के बख्शिश कर दे। इस तरह सतगुरु अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण महाराज साहब जी पंजोखरा साहब की धरती ते बराजे। एक पंडित ने आख्या जी गीता दे अर्थ करके सुनाओ हुण महाराज चाहुंदे ते आप भी करके सुना दिंदे भी लिया पंडित गीता पढ़ असी अर्थ करिए ते जे उह चाहुण ते छज्जू वर्गे झीवरां दे सिर ते हथ रख के आख्या भी ये भी करेगा भाई ऐसी समर्था गुरु दे विच है गुरु जो चाहे वह आप भी कर सकता जे वह किसी सिख दे कोलों करवाना चाहे तो करवा सकता है। जिवें दसवें पातशाह ने बचित्र सिंह ते मेहर करके हाथी नाल जंग करवाया जिवें अठवें पातशाह ने कृपा करके छज्जू झीवर दे कोलों अर्थ करवा दिते गीता दे। महाराज कहन लगे करन करावन हार प्रभ दाता वो दाता इहो जिहा समर्थ है परमेश्वर सारे कम्मां नूं आप भी कर सकदा अते जे चाहे तो करवा भी सकता है ऐसियां उहदियां बख्शिशां हन। सगले जी किए दयाला सो प्रभ अंतर जामी। पातशाह कहन लगे पार ब्रह्म प्रभ स्वामी वह पार ब्रह्म भी है स्वामी भी मालक भी सारियां बख्शिशां करन वाला फिर उस परमात्मा ने सारे जीव पैदा किए जिन्हें भी जीव पैदा होए ना भावें छोटे तो भावें वड्डे इन्हां नूं पैदा करन वाला परमेश्वर ही है। साडे मन विच ये विचार बन जांदी है भी इसनों माता पिता ने पैदा किया ये जीव जिहड़े ने जीवां दे राही दुनिया में आए
पर नहीं माता पिता भी उन्ना चिर बच्चे नूं जन्म नहीं दे सकता जिन्ना चिर परमात्मा ना चाहे उहदी बख्शिश होवे ते तां ही सब कुछ प्राप्त है। पातशाह कहन लगे सगले जी किए दयाला, उस दयालू परमात्मा ने सारे जीव अपने हुक्म दे नाल पैदा किते, सो प्रभ अंतर जामी फिर सारिआं दीआं मन दीआं उह जानण वाला अंदरों जाणदा पिआ है, उहनूं दसणा कुछ नहीं पैंदा वी मैनूं आह मुसीबत है, उह परमात्मा तेरी अंदरों फरियाद पुकार दुख सब देखदा है। मेरा गुर होआ आप सहाई, वैसे समर्थ ने भाई गुरु ते आप ही साडी सहायता करन वास्ते हर वेले 24 घंटे तैयार रहिंदे, पर इह गल वखरी है वी साडे कोलों गुरु सानूं गुरु तों मदद लैणी आउंदी नहीं है कि गुरु दे कोलों मदद किवें लैनी है, गुरु ते सहायता करन वास्ते तैयार है, पर जिन्हां नूं तरीका आ गया ना उन्होंने गुरु की बख्शिश प्राप्त कर ली, गुरु ने झट ही सहायता कर दिती। जिवें भाई आदम का इतिहास पढ़ते हैं, सो भाई आदम ने सेवा की, गुरु रामदास पातशाह कहिंदे वर मंग भाई आदम की चाहिए, जिन्हां नूं लैणा आया है। तो उस वेले भाई आदम की घरवाली ने आख्या महाराज जी इन्ने ही प्रसन्न हो गए हो, असी बजुर्ग हो गए हैं पर साडे घर औलाद नहीं है, आप जी कृपा कर दिओ। तो गुरु रामदास पातशाह ने झट ही उन्हां नूं भगतू नाम के पुत्र के नाल निवाज दिता, पुत्र पैदा होया भगतू नाम रखिया, ब्रह्म ज्ञानी गुरसिख होया गुरु का सिख। महाराज कहन लगे भाई सतगुरु ऐसे ने, मेरा गुर हुआ आप सहाई, जिन्हां कोलों जिन्हां नूं मंगना आउंदा ना लैणा आउंदा गुरु उन्हां दी सहायता उत्थे भी करदा जिथे दुनिया की समर्था खत्म हो जाती है, तिथे तू समर्थ जिथे कोई ना है, जिथे कोई ताकत नहीं उत्थे परमात्मा गुरु ताकत बन के तेरे नाल खड़ जांदा है। मेरा गुरु तो इहो जिहा समर्थ है, वह सारिया थावां ते सहायता करदा, हरेक थां ते मेरे नाल खलोता है। सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज भई बड़ाई, पातशाह कहन लगे वह परमात्मा आनंद नूं देण वाला है, उहदा नाम जपिआ ना आनंद पैदा हुंदा है, खेड़ा पैदा हुंदा, ऐसा उहदा नाम है। ते मंगल कहीए उह खुशियां देण वाला है, उह खुशियां भी दिंदा है, उह आनंद भी दिंदा है, ऐसा उह परमात्मा है, आनंद ते खुशियां देण वाला। जदों रस प्रेम दे नाल उहदे गुणां नूं गाया ना ते सुख सहज अचुत सुख प्राप्त होए जिहड़े कदे ना मुकण। आ दुनिया दे सुख ते चार दिन दे मेहमान ने, इधरों सुख की खबर आई दूजे दिन दूजे पास दुख की खबर आ गई, दुनिया के सुख बहुता लम्मा समा नहीं चलते, परमात्मा के सुख बख्शिश किए हुए अचुत सुख जिहड़े कदे मुकदे ही नहीं कदे खत्म नहीं हुंदे हन, ऐसे सुखां की दात प्राप्त हो जाती है, परमात्मा की ऐसी हैरान करन वाली वड्याई है। रहो गुर की शरण पए पहना से साची दरगाह माना, बख्शिश कर दे जेडे गुरु की शरण में पाए ने, सानू हाले शरण में पैना नहीं आया, असी तो केवल इतों तक सीमित हाँ भी जोड़ा उतारना पैर धोने मत्था टेकना प्रसाद लैना तो घर में चले जाना, असी इतों तक ही पहुँचे हैं, केवल मत्था टेकन तक ही सानू सोझी है, वह भी कई बहुतियां नहीं है, कुछ हैं जिन्हां नूं मत्था मस्तक टेकन की नमस्कार करन की सोझी है, पर जिन्हां ने परमात्मा की बख्शिश प्राप्त कर ली ना, महाराज कहन लगे जिन्हां नूं गुरु की शरण में पैना आ गया भी गुरु की शरण में आईदा किवें है, प्राप्ति उन्होंने हुई है। भाई साहब भाई लहणा जिया का इतिहास पढ़िए ना, पहली बारी गए गुरु नानक साहब पातशाह के कोल पहली बारी, तो जदों महाराज ने दीदारे किए ना बैठे हुए धर्मशाला के अंदर, तो साथियों ने आख्या चल भाई लहणा चलीए अगे यात्रा कर, असी भी थावां थावां ते तुरे फिरते ना कदे आ यात्रा कदे ओ यात्रा, साथियों ने कहा चल भाई लहणा चलीए अगे यात्रा करनी आप, कह लगा मेरी यात्रा हो गई भाई हुण मैं नहीं गांह किते जाना, जिन्हों यात्रा विचों लभना सी वह लभ पिया है, मैं हुण गांह नहीं किते जाना, इत्थे ही अपना ते टिकाणा, तुसीं जाओ यात्रा कर आओ, इत्थों वापसी जांदिआं मैनूं नाल लै जाओ, आप उत्थे सेवादार बन गए। जिन्हां नूं शरण विच आउणा आ गया है भाई साहिब भाई लहणा जी वर्गिआं नूं, वह इहो जिहा शरण विच पै मुड़ के वह शरण विचों बाहर ही नहीं होए, सानू तो हाले शरण विच नहीं आना आया, असी कदे किते ते कदे किते दुनिया के मौज तमाशे मेले वेखदिआं यात्रावां करदिआं इन्नियां यात्रा कीतियां पर गुरु नहीं प्राप्त कर सके, गुरु की प्राप्ति वाले बने नहीं हाले तक,
भाई लहना साहब जी किड्डे वड्डे गुरसिख किन्ने यकीन वाले किन्ने भरोसे वाले पहली यात्रा शुरू करदे ही गुरु वाले बन गए। सतगुरु पातशाह कहन लगे गुर की शरण जिन्हां ने गुरु की शरण लई है भय नासे उन्होंने डर ही खत्म हो गया, डर मोकी गया उन्होंने। साची दरगाह माने सची दरगाह परमेश्वर के घर उन्होंने मनौत हुंदी है, उन्हों की बात मनी जाती, वह मने जाते हैं दरगाह के अंदर जिन्हों ऐसी दात मिली है। गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने, परमात्मा के गुण गाए। गुण किवें गावांगे, साडे कोल परमात्मा के गुण गाउण की सोझी नहीं है। असी केवल कह दें परमात्मा के गुण गाने पर साडे कोल इन्नी माती कि भी गुण गा सकीए जा गुण की ने। वो जिहड़े परमात्मा के गुण ने ना वो सतगुरां ने गुरबाणी विच लिखे ने। ये गुरबाणी परमात्मा के गुण हैं। जदों इस गुरबाणी नूं गाया ना जिहदे विच परमात्मा के गुण लिखे ने, गुण गावत आराध नाम हर, गुण गाउंदिआं गाउंदिआं फिर नाम नूं आराधन की सोझी आ गई भी नाम किवें जपना है। तो जो नाम नूं आराध्या नाम नूं जपिया आए अपने थाने फिर सरूप घर दे विच प्राप्त हो जाईदा, क्योंकि असी परमात्मा दे नालों विछड़ के दुनिया में आए हैं। जदों उहदे गुणां नूं गावेंगा जिथों विछड़िया फिर उत्थे जाके जुड़ जाएगा, वह है सरूप परमात्मा का, अकाल पुरख के सरूप की प्राप्ति हो जाती, उसकी प्राप्ति वाला फिर जीव बन जाता है। जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी, भाई साध संगत विच आके मिले ना जिवें आप जी बैठे उन्हां दी हुंदी है जय जयकार। संगत साध प्यारी, साधु की संगत बड़ी प्यारी है। जिहड़े संगत विच आके बैठे जय जयकार करे सब, सारी दुनिया उन्हूं धन कहिंदी है, कहिंदे आ गुरसिख भाई बड़े वड्डिआं भागां वाला है। ये संगत नूं प्राप्त हुंदा है। संगत करन वालिआं नूं सारे लोग ही जय जयकार करदे, उहदी उस्तत करदे। उस्तत हुंदी उहदी है जिहड़ा प्यारी साध संगत विच आके प्राप्त हुंदा है। ऐसियां दातां मिलदियां हन। सद बलहार जाओ प्रभ अपने जिन पूर्ण पैर सवारी, तों बलहार जाइए जिन्हां ने पूर्ण तौर ते साडी इज्जत सवार दित्ती है, जिन्हां ने साडी इज्जत नूं सवार दित्ता है, साडी इज्जत बना दित्ती है दुनिया विच संसार विच। ऐसे गुरु तों भाई बलहार जाणा करिए। गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे जिन जिन दर्शन पाया, गुरु दे दर्शन किते ने साहिब गुरु नानक दे पातशाह दे, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे दर्शन किते, जिन जिन दर्शन पाया, जिन्हां जिन्हां ने किता है गुरु दा दर्शन। ते पातशाह कहन लगे वो दर्शन करन वाले जिहड़े गुरमुख ने उन्होंने नाम नूं सुनिया, नाम सुन, नाम नूं सुन के पहला दर्शन किते, फिर गुरु कोलों नाम लैके नाम सुनिया, जदों नाम की प्राप्ति की गोष्ट ज्ञान, फिर उन्होंने ज्ञान की गोष्ठी ज्ञान की चर्चा करने की समर्था आ गई। एहो जी ज्ञान की फिर विचार की कि वह गुरमुख जिहड़े संसार तो उधरे तर गए हैं मुक्त हो गए हैं। भयो कृपाल नानक प्रभ अपना आनंद सेती घर आया। गुरु पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ये शब्द नूं संपूर्ण करदे कहन लगे भाई जिन्हां ते परमात्मा कृपालू हो जांदा वो फिर उस परमात्मा की प्राप्ति वाले बन गए। भयो कृपाल नानक प्रभ अपना, जिन्हां ने परमेश्वर नूं अपना जान के उहदी सेवा करके उन्हूं अपने ते खुश कर लिया है, आनंद सेती घर आया, वह आनंद दे समेत सरूप घर विच प्राप्त हो गए, पहुँच वाले हो गए, परमात्मा की प्राप्ति वाले वह गुरमुख बन गए। ये सतगुरां ने बख्शिश की है। समय की समाप्ति भुलां की मुआफी दिओ सज्जना सीसड़ियाँ जो है साहिब से मेल। गोष्ट ज्ञान नाम सुन उधरे जिन जिन दर्शन पाया, भयो कृपाल नानक प्रभ अपना आनंद सेती घर आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप संगतां दे चरणां विच बिन